क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम। अंग्रेजों के जमाने की ये मशहूर कहावत उस दिन एक बेवजह की बात बनकर रह गई जब 2001 में आयरलैंड के खिलाफ अपने करियर के पहले ही मैच में शतक बनाने वाली भारतीय महिला बल्लेबाज मिताली राज ने अपना बल्ला हवा में उठाकर अपनी सरजमीन को सलाम किया। 3 दिसंबर 1982 को जोधपुर राजस्थान में जन्मी मिताली की पहली पसंद क्रिकेट कभी नहीं थी। भरतनाट्यम में निपुण मिताली ने कई स्टेज परफॉर्मेंसेस किए, पर भाई की क्रिकेट कोचिंग देखते देखते कब मिताली गेंद घुमाने लगी इस पर पहली नजर क्रिकेटर ज्योति प्रसाद की पड़ी। और फिर भारत की इस बेटी ने स्टेज छोड़ पिच पर जो जलवा दिखाया सारा हिंदुस्तान इसका साक्षी है। महज 16 वर्ष की उम्र से अपने क्रिकेट करियर की धमाकेदार शुरुआत करने वाली मिताली राज के नाम कई रिकॉर्ड्स हैं। भारत की एकमात्र कप्तान जिसके नाम 2 वर्ल्ड कप फाइनल खेलने का सम्मान दर्ज है। जून 2018 में इंटरनेशनल 2020 मैच में 2000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी और इंटरनेशनल क्रिकेट में 6000 रन का विशाल स्कोर खड़ा करने वाली पहली महिला क्रिकेटर मिताली राज वर्ल्ड कप में बतौर कैप्टन सबसे ज्यादा 24 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी भी हैं। मिताली को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। अपने बेहतरीन खेल प्रदर्शन और रिकॉर्ड्स की बढ़ती लिस्ट के चलते मिताली ने न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में भारतीय क्रिकेट और भारतीय नारी शक्ति दोनों का परचम इतना ऊंचा लहरा दिया जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। मिताली राज दुनिया की इकलौती कप्तान है जिन्होंने 150 से अधिक वनडे मैचों में कप्तानी की है। अपनी अभूतपूर्व और अविस्मरणीय क्रिकेट पारी के जरिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए मिताली राज को 2003 में प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड और 2015 में देश के सर्वाधिक सम्मानित पद्मश्री की उपाधि से नवाजा गया। हिंदुस्तान का नाम विश्व पटल पर सुनहरे अक्षरों से अंकित करने वाली भारतीय क्रिकेटर मिताली राज इस बात की मिसाल है कि सदियों से चली आ रही पुरुष और महिला नाम की इन दो धाराओं को मिलाकर एक उफनते समुद्र का सृजन हो चुका है जिसका कोई और छोर नहीं है। मिताली राज वो नाम है जिसने साबित कर दिया है कि भारतीय नारी किसी बराबरी की नहीं बल्कि सर्वोच्च स्थान की हकदार है। भारतीय क्रिकेट जगत की इस होनहार बेटी क्रिकेटर मिताली राज को द CSR जर्नल प्राइड ऑफ इंडिया 2023 से सम्मानित करते हुए द CSR जर्नल आज इस विश्वास से लबरेज है कि आने वाले वक्त में इसी मंच पे ऐसी और भी कई महिला प्रतिभाओं को देश के सामने लाकर उन्हें और खुद को भी सम्मानित करने का सुअवसर बार बार आता रहेगा।